हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सेंशन टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, ज़ेंग्रेन सोच रहा था कि कोई भी फैमिली या फिर सेक्ट है वो फोर्थ ग्रेड सेक्ट बन जाता है जब उनका जो लीडर होता है वो लिम्बो रैली में पहुंच जाता है। मिडिल डोमेन में बहुत कम ही ऐसा अचीव कर पाए हैं। अगर निंग लिम्बो रैली में पहुंच जाएगी तो कोई भी उसकी पोजीशन को क्वेश्चन नहीं करेगा। चैप्टर नंबर 169 की स्टार्टिंग होती है, जो थंडर होती है आसमान में वो इकट्ठा हो रही होती है और नीचे एंटर करती है। वो जो लुजंग का अरे होता है उससे भी अंदर एंटर कर जाती है। लुजंग सोच रहा होता है कि ये जो थंडर ड्रैगन्स है ये मेरी एन्चेंटमेंट से भी पास हो सकते हैं। वो जो थंडर होता है वो एक ड्रैगन की शेप में बन के नीचे आ रहा होता है। लुजंग निंग का नाम चिल्लाता है। जून बोलती है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसने पक्का ही प्रिपरेशन की होंगी। अगर वो चूज कर रही थी ब्रेक थ्रू करने का तो इसे डिस्ट्रैक्ट मत करो तुम ऐसे। तीन थंडर ड्रैगन नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। निंग हवा में बैठी होती है, वो एक चीज को बाहर निकालते, एक प्लेट टाइप होती है वो। उस प्लेट से चार आइस फिनिक्स बाहर की तरफ निकलते हैं और उन थंडर ड्रैगन की तरफ जा रहे होते हैं। एक थंडर ड्रैगन और आइस फिनिक्स का क्लैश होता है और एक एक्सप्लोजन होती है। लुजंग बोलता है, क्या ये तो रूल ऑफ आइस था, वो बहुत ज्यादा प्योर। ऐसे जो आइस फिनिक्स होते हैं वो थंडर ड्रैगन से टकरा के एक्सप्लोजन करा रहे होते हैं। सभी थंडर ड्रैगन खत्म हो जाते हैं। लुजंग बोल रहे होते तो बड़ा ज्यादा ग्रेट है। जून बोल रही होती की वेल ये अभी खत्म नहीं हुआ है। बड़ा ज्यादा डिफरेंट फॉर्म होती है डिवाइन रिट्रीब्यूशन की और उनकी पावर भी डिफरेंट होती है। कुछ लोग सिर्फ एक ही फेस करते हैं पर कुछ ऐसे होते हैं जिनको बड़ा ज्यादा फेस करने पड़ता है। और एक कांस्टेंट रूल रहता है सभी के बीच में कि तुम जितने ज्यादा स्ट्रांग होगे तुम्हारी जो डिवाइन रिट्रीब्यूशन होगी वो भी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तभी जो आसमान होता है वो पूरी तरह से रेड और ऑरेंज कलर का हो जाता है। वो एक फायर की तरह फॉर्म हो रहा होता है आसमान में। जो डिसिपल्स होते हैं क्लाउड टेम्पल में प्रेजेंट, वो बोल रहे होते एक कोर क्या इस पूरे प्लेस को बर्न कर देगा, तो दूसरा बोल रहा होता है अभी किसे पता, चलो यहाँ से चलते हैं। वो जो फायर होती है वो एक टोर्नेडो की तरह फॉर्म हो रही होती है। निंग अपनी फिंगर को ऊपर की तरफ करती है और उसे बड़ी ज्यादा लाइट जैसी कवर कर रही होती है। वो जो फायर का टोर्नेडो होता है वो नीचे की तरफ आ रहा होता है, उसकी वजह से आइस पैलेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। लुजंग बोल रहा था, क्या ये इससे डील कर रही है। निंग का लॉ ऑफ आइस और जो फायर होती है वो एक दूसरे से क्लैश हो रहे होते हैं। निंग ने जो स्लेट निकाली होती है उससे एक आइस फिनिक्स निकलता है और उस आइस के टोर्नेडो की तरफ जा रहा होता है। वो जो आइस फिनिक्स होता है वो उस टोर्नेडो में घुस जाता है और अंदर फ्रीजिंग स्टार्ट कर देता है। वो फिर पूरी तरह से उस फायर टोर्नेडो को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो फायर टोर्नेडो होता है वो खत्म हो जाता है। क्लाउड टेम्पल के मेंबर्स बोल रहे होते हैं कि जो मास्टर वो पक्के बड़ा ग्रेट है, एक और वेव उसने डिस्पेल कर दी है और टेम्पल सेफ है। दूसरा बोल रहा होता है, हाँ जो फॉग होती है वो पूरी तरह से सराउंड कर रही होती है सराउंडिंग को। फिर बाद में निंग दिखाई देती है। जून बोल रही होती है कि इसकी प्रिपरेशन तो ज्यादा अच्छी है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा। जो सेकंड वेव थी वो ज्यादा इंटेंस थी फर्स्ट से, पर इसने ज्यादा आसानी से डिस्पेल कर दिए इसे फर्स्ट के मुकाबले। लुजंग बोलता, हाँ अगर ये डिवाइन रिट्रीब्यूशन तो ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे को लगता है कि मैं तो इनसे पावरफुल भी बन सकता हूँ। जुन हंसती है और बोलती, जुन बोलती तुम अगर तुम्हारी बारी आएगी तो मुझे लगता है कि वो 10 times ज्यादा खतरनाक होगी इससे भी। लुजंग हैरान होकर जुन की तरफ देख रहा होता है। जुन भी उसकी तरफ देखती है। जुन बोलती, क्या तुम बिलीव नहीं कर रहे जो मैंने अभी बोला। लुजंग बोलता, नहीं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी ऐसे स्माइल कर सकती हो, ये तो बड़ा ज्यादा प्रीटी था। जुन अपने मुंह को मोड़ लेती है और शर्माती है और बोलती कि तुम ज्यादा ही हल्ला डाल रहे हो। तब जो आसमान होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। जून बड़ा हैरान होती है और बोलती, क्या जो थर्ड वेव है वो तो नाइटमेयर कैटालिज्म है, ये क्यों उसके ऊपर गिर रहा है। जून बोलते, नाइटमेयर कैटालिज्म वो क्या चीज है। अब जून बोलते कि बड़ा डिफरेंट तरह के डिवाइन रिट्रीब्यूशन होते हैं। जो अपर एलिमेंट्स होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं चीजों को। जो फर्स्ट वेव थी वो नॉर्मल थंडर ड्रैगन की थी और जो सेकंड थी वो ब्लेजिंग क्लाउड की थी। जो ब्लेजिंग क्लाउड की जो कैटालिज्म होता है वो भी खतरनाक होता है, पर वो कुछ भी नहीं था निंग के सामने क्योंकि उसकी जो आइस एफिनिटी थी वो ज्यादा अच्छी है। पर जो नाइटमेयर कैटालिज्म है वो बड़ा ज्यादा एक्सट्रीमली रेयर है, जितना कि रिकॉर्ड है हम डीमंस के पास, डीमनाइट के पास सिर्फ 1000 ही कुछ इंसिडेंट हुए हैं जिन केस में ऐसा होता है। मैं ये सोच रही हूँ कि निंग की किस तरह की फेट है जो ये इस तरह के कैटालिज्म को अट्रैक्ट कर रही है। लुजंग बोलते, तो कितने सर्वाइव कर पाए उससे। जून सुनती है ध्यान से और बोलते, सिर्फ एक। वो जो पर्सन था उसे ये जो नाइटमेयर कैटालिज्म है वो उसे ग्रेट डिवाइन रिट्रीब्यूशन की टाइम मिली थी, पर बात यह कि वो जो उन्हें मिली थी वो इससे कुछ ज्यादा ही टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी और उसके बाद वो पर्सन बड़ा ज्यादा पावरफुल बन गया। लुजंग हैरान होकर सोच रहा होता है, निंग की तरफ देख रहा होता है
जो नाइटमेयर कैटलिज्म होता है उसकी वजह से जो लीव्स होते हैं वो गोल गोल घूम रहे होते हैं टोर्नेडो की तरह और निंग के ऊपर गिर रहे होते हैं। निंग ने वो जो अपनी आइस प्लेट होती है वो रखी होती है अपने सामने। लुजंग बोला तुमने बोला था कि मेरे पास कुछ है जो इसे रोक सकता है। जुन बोलती है कि अगर निंग सक्सेसफुली इसे ओवरकम कर पाएगी तो तुम्हें उसको करने की कोई जरूरत नहीं और यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। हम उसे तभी यूज करेंगे जब ये होल्ड नहीं कर पाएगी। लुजंग बोलता क्या तुम्हारा मतलब वो तो नहीं जो मेरे पास फ्रेगमेंट है डिवाइन पाथ का। जुन बोलती है हाँ करेक्ट है। लुजंग उसे बाहर निकाल लेता है और बोलता है कैसे यूज कर सकता हूँ। जुन बोलते कि तुम्हें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसे तो मिसफॉर्च्यून बोल सकते हैं हम इन नाइटमेयर कैटलिज्म को या फिर जितने भी ये रिट्रीब्यूशन हो रही है, पर ये एक मेथड भी होता है ट्रेन करने का उनके लिए। ये तुम तभी यूज करना जब निंग होल्ड नहीं कर पाएगी। लुजंग सोचता है और फिर डिवाइन फ्रेगमेंट की तरफ देखता है और बोलता है क्या ये फ्रेगमेंट सच्ची ब्लॉक कर पाएगा क्या उसे। जुन बोलते कि ये तो वेस्ट है वैसे इसको यूज करना सिर्फ माइनर डिवाइन रिट्रीब्यूशन को रोकने के लिए, पर जो तुमने अभी पकड़ा हुआ वो एक्चुअल में अभी की करंट डिवाइन पाथ का फ्रेगमेंट नहीं है। जो करंट है उसे ब्लू स्काई बोला जाता है। जो तुम्हारे हाथ में वो प्रीवियस डिवाइन पाथ का था जिसका नाम होता था विक्टोरियस स्काई। लुजंग बोलता क्या करंट वन नहीं है मेरे पास, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या। जुन बोल नहीं रही होती है कुछ और देख रही होती है लुजंग की तरफ। वो जो पत्ते होते हैं वो निंग को कवर कर रहे होते हैं। निंग फिर से अपनी स्लेट की पावर को यूज करती है और उसे एक आइस फिनिक्स कवर कर रहा होता है। वो जो आइस फिनिक्स होता है वो निंग को पूरी तरह से सराउंड कर लेता है और निंग को एक आइस की ड्रेस कवर कर लेती है। फिर लुजंग निंग की तरफ देख रहा होता है। निंग अपने हाथ को आगे की तरफ करती है और आइस की नीडल्स उन लीव्स की तरफ जा रही होती है और उन्हें खत्म कर रही होती है। लुजंग बोलता है अच्छा ये जो पेटल्स हैं ये कुछ ज्यादा ही कमजोर हैं। मुझे नहीं लगता ऐसे देखने से कि ये कोई डिफिकल्ट है। जुन बोलती है नहीं ऐसे तो ये कमजोर से लग रहे हैं और ऐसे गायब हो जा रहे हैं मतलब नॉर्मल टच से, पर जितने भी पेटल्स हैं ये नाइटमेयर में फॉर्म होंगे जैसे ये शैटर होंगे तो, और जितने भी है वो एक इल्यूजन बनेंगे और निंग यूडे के दिमाग में एंटर करेंगे। लुजंग बोलता है क्या किसी मार्शल आर्टिस्ट की सोल को ट्रेन करना वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। लुजंग सोच रहा होता है कि तो बड़ा ज्यादा स्लगिश हरकतें कर रही है इससे नहीं हो पा रहा है और इसका एक्सप्रेशन भी थोड़ा सा मेरे को गलत लग रहा है। निंग अपने सिर को पकड़ लेती है और नीचे गिर जाती है। लुजंग निंग का नाम चिल्लाता है और बोलता है कि जुन मैं डिवाइन फ्रेगमेंट के पाथ को यूज करने लगा हूँ, मुझे बताओ कि मैं कैसे यूज कर सकता हूँ इसे। जुन बोलती है रुको। लुजंग बोलता पर जुन लुजंग की तरफ देख रही होती है और बोलती है कि ये जो नाइटमेयर कैटलिज्म है ये तो ऐसे निंग को अटैक कर रहा है पर ये सेम टाइम पे उसे ट्रेन भी कर रहा है, ये एक्चुअली अच्छा उसके लिए। निंग फिर से बैठ जाती है और एक पिल को निकालती है और उसे खा लेती है और अपने आप को स्टेबलाइज करती है। जुन बोल रही होती है कि इसकी प्रिपरेशन तो ज्यादा अच्छी है। जो पिल उसने अभी सोलो की वो एक जेन्युइन सोल पिल है जो कि ग्रे मैटर ऑफ शैडो बीस से बनाई जाती है। ये किसी के सोल को थोड़े टाइम के लिए खतरनाक तरीके से बूस्ट करती है। लुजंग हैरान होकर देख रहा होता है और बोलता है क्या ये इनफ है क्या अब, पर ये जो पेडल्स हैं ये तो रुक ही नहीं रही है। निंग खांस रही होती है और सोच रही होती है अपने सिर को पकड़ के कि ये थर्ड वेव इतनी ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है, मैंने तो इतने ज्यादा प्रिपरेशन की थी। जब मैं सोच रही थी लिम्बोरेलो में ब्रेक थ्रू करने के लिए तो मैंने सब कुछ इंश्योर किया था, मैंने बड़े सारे रिसोर्सेज स्पेंड भी किए थे, मैं जेड पेंडेंट वो वर्ल्ड कमर्शियल लाइन से लिया था, ट्रेजर जेन्युइन सोल पिल को भी यूज किया, मुझे नहीं लगता कि कोई इस टाइम पे मेरी हेल्प कर सकता है। जो ट्यांजी सेक्ट है वो बड़ा ज्यादा खतरनाक थ्रेट बन गई है पूरे मिडिल डोमेन के लिए, तो ग्रैंड मा यू जो वो अपने सोल्यूशन के लिए गई है डिवाइन रिट्रीब्यूशन ओवरसी में ताकि वो खुद के ब्रेक थ्रू के लिए कुछ आइडिया फाइंड कर सके, पर जो भी वहाँ पे जाता है वो मारा जाता है और ऊपर से उसने सब कुछ क्लाउड टेम्पल का मेरे ऊपर छोड़ दिया है और ऊपर से लुजंग भी बिना किसी ट्रेस के डिसअपियर हो गया। मैं काफी टाइम से उसे फाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ क्योटिक सीज में, पर हमें कुछ पता नहीं लगा उसका। मैं ये बिलीव करती हूँ कि वो वापस आएगा कभी, मैं ऐसे यहाँ पे फेल नहीं हो सकती हूँ, ये हमारा आखिरी चांस है चूजी से फाइट करने का बिना ग्रैंड मा यू के। पर ये नाइटमेयर्स क्यों वापस आ रहे हैं। वो जो पेटल्स टाइप होती है वो निंग को कवर कर रही होती है और वो जो पेटल्स होती है वो निंग को एक तरह से बर्न ही कर रही होती है। निंग सोच रही होती है कि मेरा सिर तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा ज्यादा काउंटलेस फ्लेम इसमें घुस रही है, ये तो बड़ा ज्यादा दर्द कर रही है। निंग चिल्लाती है जोर से और वहीं पे भी होश हो जाती है। लुजंग जोर से निंग का नाम, निंग अपनी आईज को ओपन करती है और सोच रही होती है कि मैं फाइट नहीं कर सकती हूँ और क्या मैं फेल हो गई हूँ। उसे लुजंग दिखा देते और बोलते है लुजंग ये यहाँ पे है, मुझे लगता है कि मैं उसे बड़ा ज्यादा याद कर रही हूँ इसलिए मुझे उसकी इल्यूजन दिख रही है मरने से पहले, पर ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है ये ठीक है। लुजंग निंग के हाथ को पकड़ लेता है और जुन को बोलता है कि अभी टाइम है। जुन बोलती है हाँ। लुजंग उस डिवाइन पाथ के पीस को क्रश करता है और उससे एक फिश टाइप निकलती है और जो फिश होती है वो उन सभी पेटल्स को खा रही होती है। सो गाइस चैप्टर नंबर 169 तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।